सवेरे होते हुए पिताश्री ने गांव का पास बाजार से छोटा मछली लेके घर आ गए। ये देखिए पिताश्री ने मेरी माँ को मछली ला के दे दिए। माँ ने तुरंत पन्नी से मछली को खोल के नीचे गिरा दिए। भाई देखिए तालाब का मछली कितना खूबसूरत है, आपको छोटा मछली अच्छा लगता है कि नहीं कमेंट कीजिएगा। उसके बाद पिताश्री और माँ मिलके छोटा मछली को साफ सफाई करने लगे। ये मछली का किलो 100 रुपया लिया था, आपका गाँव में छोटा मछली का किलो कितना है कमेंट कीजिएगा। ए भाई देखिए कितना खूबसूरत बकरी, ए भाई बकरी पूरा चिकना चिकना मस्त है। बकरी लोग को देखने के बाद मैं फिर निकल पड़ा मेरी माँ क्या करता है देखने के लिए। और ये क्या, मेरी माँ का अभी तक मछली का काम खत्म नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों मछली का पेड़ से कचरा नहीं निकालने से मछली तीता लगता है, अच्छा नहीं लगता है खाने को। पिताश्री ने मछली में हल्दी और नमक डाल दिए, उसके बाद मेरी माँ ने उसको हाथ से अच्छा से मिला दिए। मछली छोटा हो कि बड़ा उसको अच्छा से साफ सफाई करना जरूरी है। उसके बाद वो मछली को मेरी माँ ने लेके चूल्हा के पास रख दिए और वो मछली को भुजने के लिए आग लगाना जरूरी है, इसीलिए मेरी माँ ने कुछ सूखा पत्ता को इकट्ठा किए थे उसको लाके रख दिए। माँ भी चूल्हा के ऊपर कढ़ाई को बैठा दिए और कढ़ाई जैसे ही गर्म हुआ उसमें तेल डाल दिए। तेल जब तक गर्म हो गया उसमें मछली डाल दिए। मेरा बेटा को देखिए उधर ही घूमते रहता है, मतलब कितना जल्दी होगा तो वो खाएगा। मछली अभी रेडी हो चुका है, आप लोग खाइएगा तो आइए। भाई सच में ये मछली का जो नाजवाब खुशबू है ना, ये फूल का नाम क्या है आपको पता है? भाई पता है तो बताइए। उसके बाद मेरी माँ ने उठ के चले मेरे लिए खाना लाने, क्योंकि भाई छोटा मछली फ्राई के साथ पखल भात मतलब पानी चावल खाने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पानी चावल खाते हैं कि नहीं कमेंट कीजिएगा। ये देखिए मेरी माँ ने मछली फ्राई को एक प्लेट में मेरे को दे दिए। अरे भाई क्या बताऊं, मछली का मस्त खुशबू के साथ खूबसूरत नजारा बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ भाई पानी चावल मेरा फेवरेट पकाल भात, वाह वाह। अभी मैं खुद को रुक नहीं पाए भाई, मैं फाइनली आ गया। सच में आप लोग कोई भी पकाल भात मतलब पानी चावल खाते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा भाई। उसके बाद ये देखिए उसमें नमक डाल दिए और हमारे पास नींबू खत्म हो गया, नहीं तो नींबू होता तो उसको निचोड़ देते तो बहुत बढ़िया लगता और खुशबू भी बहुत मस्त होता। अभी भोजन शुरू कर लिए, आपको खाना है तो आइए।